इसमें हु इज़ कमिंग, दो लाइन सिर्फ 31 का बाकी है, वो हम यहाँ देखेंगे। वंदे मातरम बच्चों, हु इज़ मूविंग इनटू दैट हाउस, जनक दास द ग्रेट मैजिशियन, नाउ वी कैन लर्न लॉट्स ऑफ मैजिक ट्रिक्स फ्रॉम हिम। तो ये हमारा इंग्लिश मीडियम फिफ्थ स्टैंडर्ड चैप्टर 2 चल रहा है, कंटिन्यूएशन ऑफ पार्ट 3 हम देख रहे हैं, ठीक है। पेज नंबर 31 चल रहा है हमारा, उसके बाद एग्जैक्टली 32 पेज चलेगा। अ कलेक्टिव नाउन इज़ द वर्ड दैट कलेक्ट्स एवरीथिंग, जो रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारे प्रिंसिपल सर हैं, उनको कलेक्टिव नाउन, हम टीचर्स हैं तो ये स्कूल चलेगी, ठीक है। वैसे जो भी ग्रुप बनता है ऑफ पीपल हैं, एनिमल्स हैं, थिंग्स है, उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, क्राउड ऑफ पीपल, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। एक फ्लावर नहीं देते आप, कभी ऐसा है कि नहीं मिल पाया तो आप यूज़ करते हो, अदरवाइज आप पूरा बुके देते हो, तो इसको कलेक्शन कहते हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन हो गया। अ सैक ऑफ बुक्स, कभी कभी आप गिफ्ट में 5-6 बुक्स दे देते हो तो उसको कहते हैं अ सैक ऑफ बुक। ग्रुप में अगर आप बीमार हो तो ग्रुप में सब लोग आएंगे आपको देखने के लिए, तो ये हुआ हमारा ग्रुप ऑफ पीपल। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स मतलब पूरा फ्लॉक वहाँ बैठा है और दाना चुग रहा है, एक नहीं है वहाँ, बहुत सारे हैं। 42 पेज पे देखेंगे बच्चों, करेक्ट द कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अ पैक, स्वैम, अ प्राइड, ट्रूप ऑफ लेटर एंड आर्मी, हर्ब, स्कूल, ये हो गया, ठीक है। फर्स्ट, द एनिमल रन्स फास्ट, इज यूजुअली वाइट इन कलर एंड लव्स टू ईट कैरेट्स, वो है रैबिट, सबको पता है, ठीक है। दिस बर्ड इज़ अ नेशनल बर्ड एंड इज़ वेरी ब्यूटिफुल, इट डांसेज व्हेन इट रेन्स, इट्स अ पीकॉक। थर्ड है, द एनिमल दैट हैज जंप हम्प्ड एंड हम्प्ड इट्स एट इट्स बैक एंड इट्स सर्वाइवल विदाउट वाटर, तो पानी के बिना भी रहते हैं, तो वो है कैमल। तो जो ब्यूटीफुल है वो पीकॉक है, और जो इधर उधर भागते रहते हैं फास्ट, वो है रैबिट है। तो ये चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको पूछी गई है, और आपको अच्छे से आती है, आनी चाहिए, क्योंकि ऐसे राउंड द क्लॉक पूछेंगे। रीराइट द सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन। माय फादर, फर्स्ट वाला, माय फादर इज़ अ वेरी टॉल, माय मदर इज़ वेरी टॉल। जेंडर हमने डैड का यहाँ बदला, डैड बिकम्स मॉम, तो फादर मदर। सेकेंड, द यंगर ब्रदर इज़ वेरी प्लेफुल, तो यंगर सिस्टर हो गया। माय मदर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, तो माय फादर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। द लायन इज़ फ्यूरियस, द लायन इज़ फ्यूरियस, द लायनेस यहाँ पूछा है, द लायन। आर सर टीचेज अस वेरी वेल, आर मैम टीचेज अस वेरी वेल। ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट लास्ट पेज ऑफ 32 का पेज, ठीक है। तो द देयर पिजन इज द गार्डन, तो देयर इज अ पीकॉक इन द गार्डन, तो इधर पीहन है, तो पीकॉक आपको ऐड करना है बच्चों। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑलमोस्ट लास्ट पेज है 33 वाला, कि दैट बॉय इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, तो दैट गर्ल इज माय बेस्ट गर्ल, दैट गर्ल इज माय बेस्ट फ्रेंड। फिर एट वाला, द टाइगर किल द पपी, द टाइगर इज किल द पपी, ही हैज़ टू daughters, she has two sons, this woman is very kind, this woman is very kind. From the clues given below, guess the animals and the birds, तो कौन से हैं, अभी हमने देखा जो बहुत ज़्यादा भागते हैं वो देखे हमने, तो कौन से हैं वो, दो दो बार दिए हैं कि यहाँ पे, चलो अभी मुझे ये बताओ, जो बहुत ज़्यादा भागते हैं इनको हम बोलते हैं क्या, कौन से रैबिट हैं ये, पेज नंबर 33 पे दिया है,
तो जो ज़्यादा भागते हैं उनको बोलते हैं रैबिट, है ना। यहाँ भी हमने कर लिया, फिर आगे वाले पेज पे भी हमने ये कर लिया है। देखो 42 वाला और ये वाला ऑलमोस्ट सेम दिया है आपको। तो 42 वाला क्वेश्चन में आपको दिया है कलेक्टिव नाउन्स, तो ये आपको 20 वगैरह लिखनी है इसमें कलेक्टिव नाउन में कि बीज है कौन सा है, ठीक है, डैश ऑफ बीज। तो ये आपको 44 पेज नंबर पे इतना दिया है, तो वो आपको लिखना है। तो कौन सा रैबिट, कौन फास्ट दौड़ता है, तो है रैबिट, तो आपको रैबिट लिखना है। फिर द बर्ड्स, द बर्ड इन द नेशनल, जो बर्ड है अपना नेशनल बर्ड है वो ब्यूटीफुल है, इसलिए उनका नाम हम लिखेंगे यहाँ पे, जो है ऑलरेडी लिख चुके हैं वो है पिकॉक। फिर है कैमल, क्योंकि उनके हंच बैक है, और पीछे क्वेश्चन दिया है कि इफ़ योर फ्रेंड फॉल्स इन द प्ले फील्ड ही इज हर्ट, ही विल हेल्प यू हिम, हाउ विल यू हेल्प हिम, डिस्क्राइबिंग 5 to 6 पेजेस। आप उनको कैसे हेल्प करोगे वो आप देखोगे। आप बोल सकते हो कि इफ़ माई फ्रेंड फॉल्स इन द प्ले ग्राउंड मैम, आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल टेक हिम टू दी डिस्पेंसरी और नियर बाय हॉस्पिटल, एंड देन आई शाल पुट सम मेडिसिन, ओके, सो दैट इट विल सबसाइड, ओके, सो द ब्लड विल स्टॉप, आई विल पुट द डेटॉल ओवर हिम एंड देन आई विल टेक हिम टू द हॉस्पिटल, अदरवाइज इफ देर इज़ नो हॉस्पिटल नियर बाय आई विल डू द ट्रीटमेंट ऑन माई ओन। तो ये आप छोटा लिख सकते हो जैसे मैंने बताया है, और आपके मर्जी का भी आप लिख सकते हो कि डायरेक्ट मैंने उनको हॉस्पिटल में दौड़ के लेके गए। तो इसके साथ ही हमारा यहाँ का सेक्शन ख़त्म होता है। प्लीज़ आप अच्छे से लर्न कीजिए और अच्छे से इनको लिख लिख के पढ़िए, और अच्छे से एग्ज़ाम में आए, टेस्ट में आए तो लिख सकेंगे। ऑल द बेस्ट, हैव अ हैप्पी लर्निंग टाइम।